तो जी ये है पुराना व्लॉग जो कि मैं अब डाल रही हूँ। बीच में मुझे एडिट करने का टाइम नहीं लगा था, तो लेट्स सी इसमें एग्जैक्टली है क्या। ये है जी हमारे साहिल भाई और ये है हनी दीदी। हनी दीदी को तो आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख ही चुके होंगे। हाँ जी, हाँ जी। रूडली हाय बोल दो इनको। हेलो इनसे मिलिए। ये है शानू दीदी, ये भी मेरी मासी की डॉटर है। और ये है अबू, ये भी मेरी मासी का बेटा है। सो जैसे देख के लग रहा है तो यहाँ पे हो रही है मेरे मम्मा वाली साइड की गैदरिंग। गुड मॉर्निंग, आज मेरी सुबह हुई है कहीं दूसरी लोकेशन पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। जी क्या आप गेस कर सकते हैं? तब तक गेस करूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, और जानने के लिए देखिए पूरा ब्लॉग। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं कहाँ पे हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। क्या आपने इनसे स्मार्ट लड़का कहीं पे देखा है? डाल ये तो जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ हैं। तो हम लोग आए हैं कुल्लू, और हम कुल्लू क्यों आए हैं वो भी आपको पता लग जाएगा जल्दी ही। और रेडी होने के बाद हम लोग आए हैं हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि है मनाली में। जब हम लोग कुल्लू आ रहे थे ना, तो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। कुल्लू और मनाली के बीच में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं। और एक्चुअली जो मतलब न्यूज़ में तो कम दिखता है, बट ऐसे भी अगर आप अपने आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं। आई जस्ट होप कि ये जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ये जल्दी ठीक हो जाए। और आजकल तो वेदर इज़ वेरी गुड, एज़ आर CM ऑल्सो सेट कि हिमाचल टूरिज़्म इज़ ओपन नाउ एंड इज़ सेफ इनफ। तो अगर किसी को आना है तो डेफिनेटली दे कैन कम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हो गया? या हो गया? हगी का पहली वाली फोटो हो जाए। होला बोंजोर 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 क्या होता है? बाय बाय। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कुल्लू मनाली आए और यहाँ की ये फेमस शॉल्स नाली, तो क्या करा। सो लेट्स डू सम शॉपिंग नाउ। टाइम फॉर बड़े लोगों का लंच। ज़्यादा धूप है तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक कैफ़े है वहाँ बैठते हैं, जिसका एम्बियंस अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है। जॉनसन्स कैफ़े कितना ग्रीन है ये देखो यार। मनाली का ना, इनफैक्ट कुल्लू का भी, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत सुंदर सुंदर से बनी हुई है, वुडन विद स्टोन्स, काफ़ी अच्छी है। हाय गाइस, तो इतना घूमने के बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल, और होटल में पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। अब हम हो गए हैं फिर से रेडी। तो अब मेन रीज़न कुल्लू आने का है कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मैं शादी की पैकिंग करी थी, तो अभी है शादी। और किसकी शादी है वो आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। एंड और मैं हो गई रेडी, अभी मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। दिस इज माय आउटफिट ऑफ द नाइट। तो जी यहाँ पे हो रहा है मामा स्वागत, और शादी किसकी है वो आप देख सकते हैं। शादी है प्रिया की जो कि हो रही है कुल्लू में। और जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रिया कौन है, उनके लिए प्रिया है मेरी मासी की बेटी, एंड शी इज़ ऑफ माई एज ओनली, एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड। तो जी फर्स्ट था हमारा मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी के फंक्शन के बाद नाटी तो बनती ही है, और यहाँ चली है नाटी। रेडी फॉर हल्दी फंक्शन। मुझे को अब आ गया है हल्दी लगाने का टाइम। सब लोगों ने हल्दी लगा दी थी, अब लेकर जाएगी प्रिया को चेंज करना है। तो उसके लिए तो ये दुपट्टे के नीचे ही लेके जाते हैं, और इसके हाथ में ये दिया होता है। सो व्हेनेवर शी विल कम बैक तो उसको वो दिया भी संभाल के रखना होता है।
और साथ ही वापस लेकर भी आना होता है। और जी ये है मेरा हल्दी का आउटफिट, मैंने पहनी थी ऑर्गेन्जा की ये टाई एंड डाई वाली साड़ी। शाम हो गई थी और अब आ गया है बारात को वेलकम करने का टाइम। एंड हियर इज आवर ब्राइड रेडी। जी यहाँ पे वरमाला की रस्म हो गई है और प्रिया और जीजा जी को इस टाइम पे देख लो कितनी अटेंशन मिल रही है, इतने कैमरा तो कभी नहीं देखे होंगे इतने सामने। तो जब शादी हो रही होती है, सो बेसिकली जब मंडप पे होते हैं, तो यहाँ पे जो लेडीज़ होती है वो कोई गीत गाती है अपनी ही भाषा में। सो किस किस के ये चीज़ होती है प्लीज़ कॉमेंट डाउन। यहाँ पे हो रही है अंगूठा पकड़ने की रस्म, जो कि मतलब जब फेरे लेते हैं तो उसमें जो जब लड़का आगे आता है फेरों में तो फिर सालिया उनका अंगूठा पकड़ती है। तो जी अब आ गया है मोस्ट टिपिकल टाइम, विदाई वाला टाइम। यहाँ पे प्रिया को ऐसे जाते हुए देख के ना सब लोगों की आंखें एकदम नम हो गई। इसके बाद हम लोग आए थे प्रिया के साथ उसके ससुराल में उसको छोड़ने। तो यहाँ पे हमने विटनेस करा कुल्लू की फेमस फोक नाटी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। इनके आउटफिट आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर है, पूरा ट्रेडिशनल है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे तो अच्छा ही लगता है। और इसके बाद था रिसेप्शन का फंक्शन, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये कुछ पिक्चर्स है जो शादी से हमने कैप्चर की थी। शादी ख़त्म होने के बाद हो रहा था कज़न्स का गेट टुगेदर अगेन। एंड ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।